नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राबड़ी आवास पर सीबीआई रेड से मोतिहारी में राजद कार्यकर्ता हुए आग बबूला। नाराज राजद कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 17 ठिकानों पर एक साथ शुक्रवार सुबह से ही सीबीआई की छापेमारी चल रही थी। छापेमारी की भनक लगते ही राजद कार्यकर्ताओं ने आग बबूला होकर पुरजोर विरोध किया। राजद नेताओं ने सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया व पुतला दहन किया। आपको बता दें कि पार्टी के विधानसभा प्रभारी मणि श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ता छतौनी चौक स्थित नेशनल हाईवे 28 पर उतरे और नारेबाजी के साथ केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। वहीं मौके पर राजद नेता मणि श्रीवास्तव ने कहा कि गरीबों की आवास बनने वाले लालू यादव की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इतने दिनों बाद लालू प्रसाद जब जेल से निकले तो फिर एक बार उन पर दबिश देने की साजिश सीबीआई के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजद परिवार अब चुप बैठने वाला नहीं है और आगे न्यायालय का सहारा लेते हुए इस मामले का जमकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा तानाशाही की जा रही है, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्था का असंवैधानिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, जो देश के गरीबों का मसीहा है, उन्हें बार बार भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी द्वारा परेशान की जाती है, कभी ईडी के द्वारा, कभी सीबीआई के द्वारा। आज बताइए कि उनकी इतनी लंबे समय के बाद न्यायालय के द्वारा जमानत हुई और जमानत के बाद उनकी दिल्ली में इलाज चल रही है और उस इलाज के क्रम में आज उनके 15-17 ठिकाने पे छापेमारी की जा रही है। जो 2004 से 9 का घटना था, इतना दिन ईडी और सीबीआई कहाँ छुपी थी? अभी तो लोगों का जो भरोसा था, कहीं कोई घटना घटना था तो लोग कहते थे कि सीबीआई जांच हो। आज इस व्यवस्था से, इस नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही से, जो सरकारी तंत्र ईडी और सीबीआई से सभी लोगों को प्रताड़ना कर रहे हैं, डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है कि नरेंद्र मोदी पे जांच होनी चाहिए कि उनकी संस्था में कहां कहां से पैसा आता है, उनकी संस्था के जमीन कहां कहां खरीदारी होती है, जहां आरएसएस वाले, जहां भाजपा वाले लोग रहते हैं। हाय लालू यादव, एक ही परिवार को पूरे देश में, पूरे देश के लोगों के नज़र में एक ही परिवार को टारगेट में लिया जाता है, वो है लालू यादव। जो लालू यादव गरीबों के आवाज़, दलितों के आवाज़, पिछड़ों के आवाज़, अल्पसंख्यकों के आवाज़, सभी के आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं, आज उनको अनेकों तरह से सीबीआई ईडी से बराबर टॉर्चर किया जाता है। क्या हमारा देश का और क्या हमारे बिहार का भविष्य होगा? हमारे बिहार के 15 साल का सेवा करने वाले लोकप्रिय के रूप में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही हैं, लालू यादव मुख्यमंत्री रहे हैं और इस परिस्थिति में बिहार के लोगों को डरवाया जा रहा है ईडी से, सीबीआई से। ऐसा होगा तो हम लोग न्यायालय में जाएंगे और ईंट ईंट बजाएंगे और सच्चाई की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे पूरे मोतिहारी जिला। अभी आप लोग क्या किया है? अभी हम लोग पुतला दहन किया है, नरेंद्र मोदी जी को दिखाया है कि हमारे नेता को आपने बार बार परेशान कर रहा है, इसीलिए हम लोग आज NH 28 पे पुतला दहन किया है नरेंद्र मोदी का। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।